राम राम जी। सभी दर्शकों को राम राम। आज एक बार फिर मेरे साथ व्यालोक भाई है। व्यालोक भाई राम राम, वेलकम, स्वागतम। सभी दर्शकों श्रोताओं सहित आपको भी नमस्ते, दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं, जय सिया राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या व्यालोक भाई, महुआ जी के आप सांसदी ले बीतेंगे लग रहा है। नहीं देखिए, अभी तो हमारे यहाँ वो न्याय की गति इतनी धीमी है ना कि वो मन की गति से भी सूक्ष्म है। आपके सामने तमाम ऐसे उदाहरण हैं। हमारे बिहार के जंगल राज के प्रणेता लालू यादव हैं, जो बाकायदा सजा याफ्ता हैं, सजा शुदा हैं, फिर भी बीमारी के नाम पर बैडमिंटन खेल रहे हैं, विषधर राहुल गांधी को बाकायदा मटन बनाना सिखा रहे हैं श्राद्ध पक्ष में। लेकिन जब सीबीआई कह रही है कि भाई ये सब कुछ काम कर रहे हैं, इनको जेल में डालिए, तो हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन लालू को जेल में डालना थोड़ा मुश्किल होगा, अगर आपकी बात मान भी लें तो। अब वो क्या, क्यों मुश्किल है, क्या है, वो सब तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। इसलिए हाँ, महुआ की सदस्यता तभी जाएगी जब एथिक्स कमेटी ताबड़तोड़ निर्णय ले, बहुत तेजी से न्याय की प्रक्रिया चले। एक चीज तो है कि वह फंस गई हैं, लेकिन इस देश की न्याय प्रणाली पर मुझे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि महुआ देर सवेर कुछ दिनों के मामले में छूट जाएंगी। जैसे अभी आप देखिए, आम आदमी पार्टी के पूरे जो शीर्ष के नेता हैं वो कतार लगाए हुए हैं तिहाड़ की तरफ, मतलब सतेंद्र गए, फिर सिसोदिया गए, फिर ये गए, लेकिन मनीष सिसोदिया की मैं पिछले 3-4 दिनों से जो बहस देख रहा हूँ, जो न्यायालय का रुख देख रहा हूँ, उसमें मुझे बहुत आश्चर्य नहीं होगा कि अगर मनीष सिसोदिया दिवाली से पहले छूट छाट के चले हैं, क्योंकि न्यायालय बार बार कह रही है कि इतने गवाह हैं, इतनी चीजें हैं, तो उसको आप कैसे करेंगे, उसको क्या करेंगे। तो भारतीय न्याय प्रणाली जो है, आपने किसी को कन्विक्ट कर दिया वो बहुत मुश्किल नहीं है, आप उसको सजा दिलवा दें और उस सजा को कायम रख सकें। अभी हाल में आजम खान को सपरिवार जो जेल हुई है, मुझे नहीं पता ये मुकदमा कितने साल से चल रहा है, मुझे लगता है 20 साल से चल रहा होगा। नहीं, ज्यादा पुराना नहीं है, ज्यादा पुराना नहीं, 2017 का केस है, 2017 का बल्कि लेटेस्ट है, 10 साल का तो केस होगा ना कम से कम, क्योंकि अब्दुल्ला आजम की जो विधायकी वाला मामला था उसी मामले में तो ये लोग गए हैं, जो दो दो एफिडेविट इन्होंने दी थी। यही तो मैं कह ये रहा हूं कि मतलब एकदम जो ओपन एंड शट केस होते हैं ना, वो भी अब देखिए क्या है कि आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, फिर लोअर कोर्ट से वहां हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इतनी व्यवस्थाएं हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेरे जैसे आदमी को, सामान्य आदमी को सुप्रीम कोर्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ने दिया जाएगा। लेकिन आप देखिए कि जितने 2 नंबर के लोग हैं, जितने दलाल हैं, जितने आतंकवादी हैं, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात में खुल जाते हैं, याकूब के लिए रात में खुल जाते हैं, तीस्ता शीतलवाड़ के लिए रात में खुल जाते हैं, उस पर कार्रवाई हो जाती है, उस पर बात भी हो जाती है। लेकिन मुद्दा यहां महुआ है, तो फिलहाल तो वो फंसी हुई नजर आ रही है, सांसद ही उनकी जाएगी या रहेगी पता नहीं, लेकिन फंस गई। हमारे दर्शकों के लिए जरा एक बात बताइए, ये महुआ मोइत्रा आखिर है क्या? बताया जाता है कि पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर थी, और अब इन्वेस्टमेंट बैंकर लोग नेताओं के तो बड़े काम के होते हैं। देखिए ऐसा, यादव के भी ऐसे ही एक इन्वेस्टमेंट बैंकर थे, हरियाणा के रहने वाले थे, और बिहार से प्रेमचंद, क्या नाम था उनका, प्रेमचंद गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता बहुत बहुत ही प्यारे आदमी थे, लालू प्रसाद की कोटरी के थे, प्रेमचंद गुप्ता उनका नाम था जी, वो भी इन्वेस्टमेंट स्पेशलिस्ट ही थे जी। जी तो इन्वेस्टमेंट के स्पेशलिस्ट तो चाहिए ना, वो तो चाहिए ही होंगे, क्योंकि इतना ज्यादा धन आता है, उसको सामान्य आदमी तो ये लोग हैं नहीं कि उसको कर लें। अभी महुआ जी के
एकाध कारनामे पता चले हैं, तो आप देखिए ना कि कितने करोड़ का लेन देन हो गया है, कितने वारे न्यारे हो गए हैं, जबकि वो मुझे लगता है टिप ऑफ द आइसबर्ग होगा, वो अंदर हम लोग जब जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना मामला है। बहरहाल दर्शकों के लिए आपने कहा है महुआ जी का परिचय देने को, तो महुआ जी का परिचय हमारे प्रजातंत्र, भारतीय प्रजातंत्र और खास तौर से बंगाल में जो हो रहा है उसका इतना नायाब नमूना है कि अगर आदमी सही वक्त पर सही जगह है और सही ढंग से अपनी गोटियां चल रहा है तो वो 6 से 7 साल में महुआ मोइत्रा बन सकता है, विधायक बनी थी ये, और अभी जहां से ये सांसद हैं वो करीमगंज, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो नाम से ही समझ लेना चाहिए वो किस तरह की जगह है, किन की बहुलता होगी वहां, समुदाय विशेष की बहुलता है। तो ये पहले जो विधायक बनी उसके बाद इनकी जो हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में लिखा है बाकायदा, हालांकि उसको महुआ कह रही है कि वो हलफनामा नहीं है, वो सामान्य कागज है और इस पर है, लेकिन उनको ये सब पता नहीं है कि कानूनी नुक्ते में अगर वो स्टेटमेंट उसको हलफनामा कैसे बनाया जा सकता है और कैसे ट्रीट किया जा सकता है। बहरहाल इनकी महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा थी कि इन्होंने एक के बाद एक सही सीढ़ियां, आपको याद होगा कि एक बार इनको ममता बनर्जी ने खुलेआम लताड़ा था सार्वजनिक तौर पर, अगर आपको याद हो तो, और ममता बनर्जी के शब्द थे कि अपने विधानसभा की हद में रहो या अपने संसदीय क्षेत्र की हद में रहो। वो चीज अब उस डॉट को यहां से मिलाइए आप कि वो ममता बनर्जी ने क्या कहा था, क्योंकि वो जो चिट्ठी आई है हीरानंदानी की उसमें साफ साफ पता चलता है कि ये किस तेजी में थी, किसी भगटूट घोड़े की तरह। और हीरानंदानी तो छोड़िए, वो जो इनका पार्टनर था, आजकल तो शब्द सब भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, मतलब अजीब अजीब शब्द हैं, पहले के जमाने में कुछ और कहा जाता था, अब लिव इन है, फिर एक नया शब्द निकला कि आप पति पत्नी नहीं है, दोस्त नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप पार्टनर हैं। अब उस पार्टनर को अगर मैं शुद्ध हिंदी में कह दूं तो मेरे ऊपर तो विशेषाधिकार हनन का मुकदमा हो जाएगा, लेकिन ये पार्टी ये थी एक सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ पार्टनर थी, फिर उससे झगड़ा हुआ या वो इनकी पहुंच के नीचे रह गया, फिर उसका कुत्ता चुरा लिए, फिर कुत्ते को लेके बवेला हो रहा है, और उसके बाद हीरानंदानी, फिर हीरानंदानी के बाद अभी 3-4 दिन पहले जो तस्वीरें आई हैं हमारे समय के रंगीले चचा यानी शशि थरूर जी के साथ, तो अब मतलब आप देख लीजिए इतनी जल्दी 3-3 चीजें हुई हैं, मतलब वो पूरा जो इनकी तेजी, बस मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को कि एक कंधा, एक पैर हवा में है, फिर दूसरा कंधा आया तो वो दूसरे कंधे में, और फिर तीसरा कंधा, मतलब ये अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो ये मुझे लगता है कि 2-4 साल में बहुत तेजी से मिनिस्टर विनिस्टर केंद्रीय कैबिनेट में बनवान के तैयार हो जाएंगे, इनकी जो गति है वो मुझे लग रहा है ऐसा। नहीं पर ममता बनर्जी की छवि तो ईमानदार नेताओं की मानी जाती है, मतलब राजनीतिक रूप से चाहे जितने बेईमान हो, पर उनपे आर्थिक भ्रष्टाचार के तो इतने आरोप नहीं थे, जो थोड़े बहुत है उनके भतीजे होते जो पर उनकी जो कोटेरी है उनके ऊपर है, तो इतने ड्यूबियस कैरेक्टर को पहले विधायक बनाना पार्टी का, फिर सांसद बनाना, आप दादा आज क्यों किया? आप दादा आज कुछ गड़बड़ा गए हैं, मुझे लगता है कि या तो व्रत में है या पता नहीं कुछ मौज लेना चाह रहे हैं। मनमोहन बाबू भी बहुत ईमानदार थे, रेनकोट पहन के नहाते थे, ममता जी भी बहुत ईमानदार हैं, उनके भतीजे ने सारा कांड किया, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो मतलब एकदम दूध से धुल के शहद में नहा के और क्या क्या करके निकली है। आपको मैं बताऊं कि अगर भ्रष्टाचार को किसी राज्य ने संस्थागत बनाया है तो वो बंगाल है,
और उसमें कोई फर्क नहीं है, मतलब वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब कम्युनिस्ट थे वहां जो वसूली का सिस्टम है, तो कम्युनिस्ट तो इन लोगों के गुरु ही है ना, वसूली में, छीना झपटी में, डकैती में, मारपीट में, हत्या में, कम्युनिस्ट तो सबके गुरु हैं। उन्होंने जो सिस्टम बनाया था, आप ये जान लीजिए कि अगर कांग्रेस थोड़े समय के लिए कभी रही होगी बंगाल में, तब भी वो सिस्टम रहा, और ममता जी आई तो बस नाम बदल गया, समितियां वही रही, मोहल्ले में चंदा आपको देना ही देना है, वो क्लब्स होते हैं, सबसे छोटे स्तर पर बंगाल में क्लब्स होते हैं, और वहां से ऊपर तक जाती है। अब आप सोच लीजिए कि जो इतना मेटिकुलस ढांचा है उसको आप कैसे पेनेट्रेट करेंगे। और इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आपने क्लीन चिट दे दी, आपने कहा मजे लेने के लिए कि ममता जी तो बहुत साफ सुथरी छवि की। छवियों से क्या होता है, मुझे लगता है कि अभी भारत में देखिए बिहार के पास पैसा नहीं है, इसलिए उसके पास भ्रष्ट होने का मतलब बहुत आयाम नहीं। बिहार भ्रष्ट होगा तो कितना होगा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। बंगाल मुझे लगता है भ्रष्टतम राज्यों में एक, जहां एक एक चीज पर पैसा लगता है। आप घर बनवा रहे हैं तो आपको पैसा देना है, आपका रिजल्ट निकला है तो पैसा देना है। अभी दो बहालियां जो हुई हैं, जिसमें अभिषेक बनर्जी मनरेगा के बकाये को लेके बहुत जो आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि दो बहालियां थी, दोनों हो गई, अब पैसे का कोई स्रोत दिख नहीं रहा है, तो जब तक सेंटर से पैसा नहीं आएगा तब तक लूट खसोट होगी किस। और सेंटर क्यों पैसा नहीं दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि सेंटर पैसा नहीं देगा, क्योंकि ये अपना तो एक संघीय ढांचा है, इसमें राज्यों का पैसा आप रोक ही नहीं सकते हैं एक सीमा के बाद, तो सेंटर क्यों रोक रहा है इस पर भी सोचना चाहिए। दूसरी बात, वो भी बहुत ईमानदार है, मतलब वो तो सबसे ज्यादा ईमानदार है, कट्टर ईमानदार है, वो इतने ईमानदार हैं कि एक भी मिनिस्ट्री ही नहीं रखी है, एक भी गुंजाइश नहीं छोड़ी है कि कहीं वो कागज में पकड़े जाएं, इसलिए क्योंकि उन्होंने कभी काम किया हुआ है और उन्होंने कभी मतलब देखा है, तो उनको लगता है कि भाई ठीक है मैं कहां फंस सकता हूं कहां नहीं। लेकिन तीन लोग तो उनके चले गए। तो ये ममता बनर्जी जो है ये विश्व वृक्ष है, महुआ मोइत्रा हो या अभिषेक बनर्जी हो या वो अभी एक मुसलमान जो इनके शिक्षा मंत्री सो कॉल्ड पकड़े गए हैं, मंत्री उनका मैं नाम भूल गया हूं, वो हो कोई भी हो, जड़ से लेके फुनगी तक केवल और केवल ममता बनर्जी हैं, और वो भ्रष्टतम हैं। आप बंगाल की धरती पर सांस लेना दुभर है, वो सड़ाध है, इतनी मतलब इन लोगों ने पूरी व्यवस्था को चौपट कर रखा है, आप एक कदम नहीं चल सकते हैं बिना पैसे के। तो ममता और महुआ को लाने का क्या मतलब था, हीरा नंदानी से पीए बढ़वाने का क्या मतलब था। आपको लगता है कि मतलब आपके घर में कुछ हो रहा है और आपको नहीं पता रहेगा, आपके सुपुत्र कुछ कर लेंगे और आपको पता नहीं चलेगा, आप आंख मूंद लेंगे। तो वही ममता बानू ने भी किया है, वही उन्होंने भी किया है, उनको पता सब था, उन्होंने आंखें मूंदी हैं बस। नहीं, मैं एक बार मैं आपको बताऊं मेरा निजी व्यक्तिगत अनुभव। मेरे एक मित्र हैं, वो बंगाल में हावड़ा से करीब 60-65 किलोमीटर दूर एक छोटा सा टाउन है, वहां रहते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया था, तो वो मुझे बंगाल की कहानियां बताने लगे। तो वो बताने लगे कि हम उनका टाउन जो है बहुत छोटा सा टाउन है, अंग्रेजों के जमाने का बसाया हुआ है, नाम नहीं ले रहा हूं मैं जानबूझ के। तो उन्होंने बताया मुझे कि हमारे टाउन में हर गली में एक कैरम क्लब है, हर मोहल्ले में नहीं है, हर गली में। तो कहते हैं उस गली में लगभग
50-60 या 100 घरों का, मतलब वो एक कैरम क्लब है, वहां पे बुढ़वे सब बैठ के सिगरेट पीते हैं और अखबार पढ़ते हैं और चेस खेलते हैं और लड़के सब कैरम खेलते हैं, और वहां पे एक बड़ा स्क्रीन का टीवी लगा है, वो चेस बोर्ड उसका उस जगह का भाड़ा वो सब पार्टी फंड से आता है, और उस क्लब से एसोसिएटेड करीब 100 लोग हैं, लड़का और बुड्ढा मिला के। तो वो बताने लगा कि इसका देखिए करप्शन का पेनेट्रेशन कितना डीप हो सकता है, इसका उदाहरण बंगाल से बड़ा वाकई नहीं मिल सकता। मैं तो सुन के तंग रह गया। देखिए दुनिया भर का जो करप्शन है, आम गरीब आदमी माने एक आम जो 300 रुपए की दिहाड़ी रोज करता है, उसको ज्यादा करप्शन से फर्क नहीं पड़ता ना। ठीक है उसको टूटी सड़क पर चलना पड़ता है, करप्शन उसको इतना प्रभावित करता है, परंतु बंगाल में वो कहते हैं कि मान लीजिए अब आपने घर का अपने रेनोवेशन का काम लगा दिया, तो अब आपको 5 बोरी सीमेंट और थोड़ा छड़ थोड़ा गिट्टी थोड़ा बालू या पेंट का एक डिब्बा लेना है। तो वो लड़का बताने लग गया मुझे कि दादा आप अब आपको लेना होगा, आप लखनऊ बनारस पंजाब में कहीं रहते हैं तो आप जाएंगे सीधे और हार्डवेयर स्टोर से सब ले लेंगे। कहते नहीं हम लोग जाएगा तो पहले पार्टी ऑफिस जाएगा, टीएमसी के ऑफिस जाएगा, वहां ऑफिस बना, सर बकायदा ऑफिस बना है, रसीद कटती है। आपको क्या सामान लेना है कि आपको 5 बोरी सीमेंट चाहिए, 100 फुट गिट्टी चाहिए, बालू चाहिए, 3 डब्बा पेंट चाहिए, ब्रश चाहिए, है यही सब चाहिए ना। तो कहते हैं कि फिर वो एक दुकान का नाम उसमें लिख देगा टीएमसी वाला, आप उस दुकान पे जाएंगे तो यदि 350 रुपए का एक बोरी सीमेंट का मार्केट रेट है तो वो आपको 370 रुपए में देगा, बाकायदे देगा। फिर उसके बाद मान लीजिए टोटल सामान था 10,000 का, परंतु टीएमसी के पर्चे की वजह से वो आपको मिला 11,000 में, तो 1,000 रुपया पूरी ईमानदारी से वो हार्डवेयर स्टोर वाला पार्टी ऑफिस में जमा कराएगा और बाकायदा रसीद मिलती है। सर सर इतनी ईमानदारी से वसूली का धंधा चल रहा है, आप अभी भी आप लोग जो है मंत्री को बेईमान बता रहे हैं। मैंने यही तो कहा, मैंने इसी तरफ कहा था कि इतनी गहरे तक घुसा हुआ है और उसको इतनी सफाई से संस्थागत किया है, और ये काम कम्युनिस्टों के जमाने से चला आ रहा है, कम्युनिस्टों ने क्लब्स बनाए, कम्युनिस्टों ने सब कुछ किया। आप इसकी बात कर रहे हैं, आप वहां अपने घर की मरम्मत नहीं करवा सकते हैं, बंगाल हो या केरल हो। आपने कहा कि ठीक है मुझे घर की मरम्मत करवानी है, मैं 4 मजदूर चाहिए, आपने खोजा 4 मजदूर आ गए, आपने कहा कि नहीं ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्टी गए हैं मजदूर, या जो भी वो काम कम करेंगे हल्ला ज्यादा करेंगे। अब आपने दूसरी जगह से लेबर मार्केट से लेबर उठा ली और आपने अपना काम करवाया, इससे क्या आप बच जाएंगे? ऐसा नहीं होता है, आपको पैसे फिर भी देने हैं क्योंकि 4 लोगों ने आपके मकान की मरम्मत के दौरान उसकी निगरानी की है। उनका तर्क ये होता है कि हम लोग जो देखे मकान सो मान लीजिए कि तोड़फोड़ हो जाए कुछ हो जाए तो पैसा दीजिए, और ये बंगाल और केरल में होता है। यही महान कम्युनिज्म है जिसको लेके ये ससुर वामपंथी इतना रायता फैलाए रहते हैं कि देश है काल है फांसीवाद है। और ममता बनर्जी क्या है, कुल मिला के वो कम्युनिस्ट है भाई, पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस क्या है, कांग्रेस कम्युनिस्ट है, सब एक ही थैली के तो चट्टे बटते हैं, और इसीलिए इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ये लोग उसी तरह चलते हैं। और बंगाल तो अब मतलब बंगाल को गैंग्रीन हो चुका है, अगर उसको काट के नहीं हटाइएगा हर एक तरह से, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और सबसे बड़ी बात है मानसिक तौर पर। बंगाल के अभी मैं नवरात्र में हूं, आप भी होंगे,
बंगाल की ये दुर्दशा हो गई है, इतनी वाहियात जगह हो गई है वो, कि बंगाल के दुर्गा पूजा पंडाल में ममता बानो की मूर्ति लग रही है। मां दुर्गा के मुंह की जगह ये ममता बानो का मुंह लगा हुआ है और आठ हाथ हैं, और नीचे वो मरियम और ईसा बैठे हुए हैं और पता नहीं क्या क्या। ये कौन सी पूजा होती है? ये पूजा कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो यार? और किसी बंगाली को कहिएगा तो कहेगा कि हमें अलग मत करो, बंगाल में पूजा का मतलब वो धार्मिक नहीं होता है, औत्सविक होता है, उत्सव होता है। मतलब इच्छा तो इतनी गालियां देने की कर रहा है, हो रही है, लेकिन अभी तो मैं दुर्गा पूजा तक मैं अपने पर संयम रखता हूं कि मैं किसी को कोई गाली नहीं देता। मतलब ये ससुरे इतनी पागल हो गए हैं अफीम खा के कि ये उत्सव और धर्म, ये कौन सी औत्सविकता है भाई? हाँ, ये कौन सी परिभाषा है? पर ये कौन सी परिभाषा है कि मतलब तुम ऐसे बता रहे हो कि ममता बनर्जी की तस्वीर लगाओगे, ममता बनर्जी का की मूर्ति लगाओगे, और उसके बाद अभी कल परसों मैं किसी पागल बंगाली का देख रहा था एक्स पर, उसने लिखा कि दुर्गा पूजो में मींस होम कमिंग फॉर अस, डू नॉट डिवाइड अस, इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज वेरी कल्चरल। ब्लडी हेल, इट इज नॉट रिलीजियस, इट इज कल्चरल। और ये कल्चरल कौन सा है? तो फिर वहां के मियां भाई लोग क्यों नहीं मनाते हैं दुर्गा पूजा भाई? तुम्हारी हर एक बार कुटाई क्यों होती है? मतलब ये धार्मिक नहीं, सामाजिक उत्सव हो गया है। सामाजिक है, सांस्कृतिक है, पता नहीं ससुर कौन सी अफीम खाए हुए हैं, क्या किए हुए हैं। मैं तो बता रहा हूं ना, बिहार और बंगाल दोनों में एकदम गलाकाट प्रतियोगिता चल रही है। पहले बीच में थोड़ा बहुत यूपी भी घुसता था कि नहीं नहीं मैं भी बर्बाद होऊंगा, मैं भी बर्बाद होऊंगा। अब यूपी पिछले 5 साल से नहीं घुस रहा है, लेकिन बंगाल और बिहार में तो एकदम लगी हुई है शर्त कि मैं एकदम बर्बादी के चरम पर जाऊंगा तो मैं जाऊंगा। मतलब जो बंगाल अवनींद्रनाथ घोष का था, जो बंगाल सुभाष बाबू का था, और मैं जानबूझकर यहां रविंद्रनाथ ठाकुर का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि इन बंगालियों ने क्या किया है, इतनी गंध मचाई है कि आपको ये रविंद्रनाथ ठाकुर से दिक्कत करवा देंगे, आपको ये हरेक उस चीज से दिक्कत करवा देंगे जो आपको प्रिय है। मतलब जो बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, सर आशुतोष मुखर्जी का था, उस बंगाल को क्या इन लोगों ने बना दिया है? मतलब बज बजाता नाली का एकदम सड़ाध। अच्छा, ममता बनर्जी की मूर्ति लगा रहे हो? खैर, हाँ भाई, अब वापस आ जाते हैं जरा महुआ मित्रा पे। जी, तो महुआ मित्रा जो है सर, क्या है महुआ मोइत्रा, उनको आजकल कुछ वो मोह वाला हटा दे रहे हैं, ओ की मात्रा की जगह ऊ लगा दे रहे हैं कुछ लोग, बड़ा बहुत दिक्कत तो है, पता नहीं क्या है ये। मतलब बंगाल की सड़ांध जो है, आपके आपका कहने का मतलब है ये बंगाल की सड़ांध जो है वो संसद तक पहुंची हुई थी, ये उसी सड़ांध का ही तो बाई प्रोडक्ट है ना महुआ मोइत्रा? बिल्कुल बिल्कुल बाई प्रोडक्ट है, वही वही मैं बता रहा हूँ कि एक नहीं है महुआ मोइत्रा। अब इसी में देखिए, वो नाम होगा उसका मित्र, ठीक है, बंगाली में आप मोइत्रा मोइत्रा करने लगे, मोइत्र, ठीक। अब आपने उसका बंगाली से अंग्रेजीकरण किया, मोइत्रा कर दिया। सबसे पहले तो इन लोगों को अपने नामों के साथ पता नहीं क्या जटिलता रहती है। ठीक है यार, तुम कर लो, तुमको बंगाली नाम रखना है तो बंगाली रख लो। जैसे सुष्मिता में तालव्य सौ या मूर्धन्य सौ नहीं होता है, वो होता है सुस्मिता, अच्छी हो जिसकी मुस्कुराहट, वो है सुस्मिता। लेकिन चलिए बंगालीकरण हुआ जी, सुस्मिता जी, सुस्मिता है वो जिसकी मुस्कुराहट अच्छी हो, लेकिन चलिए बंगालीकरण करके आपने सुस्मिता सुस्मिता कर दिया। लेकिन ये मोइत्रा, ये तमाम चीजें, ये सब भी करो, आप नाम बदल लो, भाषा कर लो, लेकिन ये जो पूरी
श्रृंखला आई है ना ये दिमाग खराब करने वाली कि दुर्गा पूजा रिलीजियस नहीं है, कल्चरल है, वही सड़ाध जो है वो संसद तक भी जाती है, वही बताती है कि गला फाड़ के चिल्लाओ, जो जितना बड़ा चोर होता है वो उतना ज्यादा चिल्लाता है, और महुआ मोइत्रा ने इस बात को साबित किया है। तो अच्छा, अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आज की है कि उसने इनका जो हीरानंदानी है वो ऐसा सुनने में आया है कि वो पलट गया है, उसने वो इनके खिलाफ जो है गवाही देने को तैयार है, इनका पार्टनर जो है वो तो दुश्मन हो ही गया था। तो अभी लेटेस्ट आपको अभी जरा कंक्लूड कीजिए चर्चा को कि निकट भविष्य में आप इनका मोइत्रा जी का क्या होते देख रहे हैं। देखिए ऐसा है कि सरकार तो चूंकि फांसीवादियों की है और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रोकना ही है, आपने देखा कि 3-4 को रोका, मतलब ये लोग पूरा नरक कर दें, पूरा गंध मचा दें, ये लोग भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दें, और सरकार अगर सरकार छोड़िए ईडी और सीबीआई इनसे कुछ पूछ ले तो फांसीवाद आ जाता है, तो वो तो फांसीवादी सरकार है। एथिक्स कमेटी बहुत नाराज है, एथिक्स कमेटी ने इनसे कड़े शब्दों में पूछा है कि महुआ जी क्या मामला है ये सब। अभी तक उसके पास हीरानंदानी की का जो हलफनामा था वो पहुंचा नहीं था, हो सकता है पहुंच गया हो अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, या कुछ देर में पहुंच जाएगा। तो इनकी गर्दन तो बहुत बुरी तरह से फंसी हुई है, अब इसके दो ये निकट भविष्य में ये हो सकते हैं। एक तो अगर एथिक्स कमेटी ने इन पर कार्रवाई कर दी तो इनकी सांसदी चली जाएगी, उसके बाद एक लंबा प्रोसेस हो सकता है कि वो क्या मुकदमा चले, क्या क्या सब हो, लेकिन इनके सांसदी जाने के आसार तो हो गए हैं। और अगर सरकार ने ढंग से काम किया, अगर एथिक्स कमेटी ने ढंग से इनकी क्लास ले ली, और अगर हीरानंदानी पलटा नहीं, कई बार होता है ना कि गवाह जाके भाई उधर से भी तो जोर लगेगा ना, ऐसा थोड़े है ममता बनर्जी इनको बचाने नहीं आएंगे, ऐसा तो है नहीं, या फिर इंडिया अलायंस वाले, विषधर को बचा लिया गया ना वो तो एक्सपेल, ममता बनर्जी तो इनसे बहुत नाराज बताई जा रही है। नाराज हैं वो ठीक बात है, लेकिन आप देखिए दिक्कत ये है कि कोई भी किसी भी उस काम में इंडिया अलायंस वाला नहीं शामिल होगा जिसमें भाजपा को या उस बहाने कहा जाए मोदी जीवा को तनिक भी बढ़त मिले, तो इसके घर में वो लोग जो भी कर लें लेकिन सामने तो आके इसको बचाएंगे। जैसे आप देख लीजिए विषधर जब एक्सपेल हुआ था तो 3 महीने लग के इन लोगों ने उसको बचाया ना, वो वापस तो आया, तो उसी तरह महुआ के पीछे ये लोग खड़े होंगे जरूर। और चूंकि मामला भी तो मिल गया कि भाई देखिए सबसे मुखर थी, सबसे बोलती थी, सबसे वाकपटु थी, तो उनकी आवाज को साइलेंस करने मोदी पर अटैक करते थे, तो इसलिए उनकी आवाज। देखिए सुपारी मीडिया को तो मैं सुबह से सुन रहा हूँ, वो तो कहते हैं सिर्फ इसलिए इनके ऊपर जो है गाज गिरी है क्योंकि ये मोदी पे सवाल करती थी। बिल्कुल, तो वो चलेगा कि भाई इनकी आवाज को शांत करने के लिए किया गया है, फांसीवादी सरकार वगैरह वगैरह, लेकिन कानून अपना काम करेगा। और मेरी तो आरजू है, मेरी तो दिली इच्छा है कि कानून जल्द से जल्द काम करे और ऐसे जितने भी सड़ांध हैं, ऐसी जितनी भी सड़ांध है सबको हटाए, यहाँ संसद को कम से कम थोड़ी सांस लेने वाली जगह बनाए और उस तरह से काम हो। तो सब दर्शकों ये थे व्यालोक भाई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी, ऐसे ही हम इनसे और अन्य विषयों पे चर्चाएं करते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो पे इतना ही, अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच व्यालोक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, राम 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 राम।